Good morning friends, how are you all? Today we will solve exercise 12.3. okay, in last class we solved exercise 12.1, okay, and you did not ask any problems. Okay, so it means you don't have any problems and 12.2 is not a important exercise for exams. Okay, so we will start 12.3. okay, so open your book B and come to page number 84. Okay, 12.3, write the next three numbers in given patterns. देखो एक pattern है जिसके according numbers दिए हुए हैं, ठीक है, उसके आगे के numbers हमको उस pattern के according हमको लिखने हैं, ठीक है, write करने हैं. Okay, कैसे करने? Let's start. A 107, 109, 113, 119, okay, and इसके आगे के हमें three numbers write करने हैं, 1, 2, and 3. देखो बहुत ज्यादा easy question है, पर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे, ठीक है. 107 and 109 में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है? 2, ठीक है, प्लस टू कर देंगे 107 के, तो 109 हो जाएगा. ओके, 109 प्लस 4 113 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है. नाउ 113 प्लस 6 कर देंगे 119 हो जाएगा, ठीक है. यानी कि कौन सी टेबल चल रही है, ये कितना कितना डिफरेंस कंटिन्यू हो रहा है, 2 का, उसके बाद 4 का, फिर उसके बाद 6 का, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 8 का, है ना, प्लस 8, ठीक है. अब 119 प्लस 8 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 127. ओके, अब नेक्स्ट का डिफरेंस हो जाएगा 2, 4, 6, 8, नेक्स्ट डिफरेंस 10. ओके, ठीक है, 127 प्लस 10 137. नेक्स्ट डिफरेंस 12 का, ठीक है, 137 प्लस 12 149. ये इस क्वेश्चन के नेक्स्ट थ्री स्टेप्स होंगे, ठीक है, प्लीज नोट डाउन. और आई थिंक आपको समझ में आ चुके होंगे कि इनमें, इसमें 2 का डिफरेंस, 4 का, 6 का, यानी 2 की टेबल चल रही है, ठीक है, डिफरेंस में नोट डाउन प्लीज. क्वेश्चन नंबर बी, 1, 4, 9, 16, नेक्स्ट थ्री डिजिट्स, ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट थ्री डिजिट्स. ओके, 1, चलो पहले देखते हैं हम कैसे सॉल्व करें. लेट्स स्टार्ट. 1 प्लस 4, 3 का डिफरेंस, 4 प्लस 5 का डिफरेंस, 10, 7 का डिफरेंस, ठीक है, कितना कितना डिफरेंस हो रहा है, 2 का, ठीक है, 3 प्लस 5 प्लस 7, फिर क्या होगा, 9, फिर 11, देन 13, एक बार इसको करके देखते हैं इस तरह से, ठीक है, 16 प्लस 9 25, ठीक है, 25 प्लस 11 36, ओके, एंड 36 प्लस 13 49. देखो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया इसका, सेकंड मेथड ये है इसका, ये भी आपको काफी इजी लगेगा, 1, 4, 9, ठीक है, नेक्स्ट
16, 1, 2, 3 digits. अब देखो ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर. स्क्वायर means कि इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि 2 को 2 से किया तो 4, 3 को 3 से किया तो 9, 4 को 4 से किया तो 16, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 6 को 6 से करेंगे तो 36, 7 को 7 से करेंगे तो 49. ठीक है, ये दोनों मेथड आप नोट डाउन करें. अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो एक बार और देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. देखो हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का, यानी कि फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का, यानी कि 2 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है. 3 के बाद प्लस 2 है तो 5, फिर 5 के बाद प्लस 2 है तो 7, है ना? इस तरह से यहाँ पे ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 को 3 से किया तो 9, 4 को 4 से किया तो 16, 5 को 5 से किया तो 25, 6 को 6 से किया तो 36, 7 को 7 से किया तो 49. नेक्स्ट भी कर देंगे तो 8 हो जाएगा. 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 को 8 से करेंगे तो 64, और 9 को 9 से करेंगे तो 81, 10 को 10 से करेंगे तो 100. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी. 1, 8, 27. देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों बीच में, 1 और 8 के बीच में 7 का डिफरेंस. यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, आई थिंक 19. हाँ कुछ इतना ही डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा आ रहा है. ठीक है, तो अब आप देखो कैसे करेंगे. पहले तो हमारे पास इसको आया था कि हमने 1 को, यानी कि सेम नंबर को सेम 2 से स्क्वायर किया. ठीक है, जैसे कि 1 को 2 से किया, 8 को 2 से किया, इस तरह से. ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका क्यूब करेंगे. 1 को 3 से, 2 को 3 से, 3 को 3, यानी कि 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 को 1 से किया, 1 को 1 से किया, 1. ठीक है, नाउ 2, 2 को 2 से किया, 4, 2 को 2 से किया, 2 को 4 से किया, 4, 2 को 2 से किया, 4, 4 को 2 से किया, 8. जैसे कि 2 को 2 से करेंगे तो क्या होगा, 4, फिर 2 से करेंगे तो 8. ठीक है, इसी तरह से 3 को 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 को करेंगे तो 27, यानी कि आपको सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 1 को 3 टाइम किया, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब 4 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 क्यूब. अब 4 का देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4. ठीक है, 4 को 4 से करेंगे 16. ठीक है, अब इसको 4 से करेंगे, 4 6 24 कैरी 2, 4 बन जाए 4 और 2 6, 64. ठीक है, 5 को 5 को 5 से किया 25. अब इस 5 को यहाँ पे ले आए हैं, किया 5 5 का 25 कैरी 2, 5 को 10 और 2 12, 125. ठीक है, अब 6 को 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 का 36. अब इसको 36 को फिर 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 206.
16, ठीक है। देखो एक बार वापस समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है हमें। आप वैसे भी क्लास फोर्थ में है तो आपको इतनी जरूरत नहीं रहेगी, फिर भी मैं आपको एक बात को समझा देता हूँ। ये वन का क्यूब है, ये टू का क्यूब है, ये थ्री का, ये फोर का क्यूब, ये फाइव का क्यूब, ये सिक्स का क्यूब, ठीक है। क्यूब मीन्स जैसे ये वन है तो वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये टू है तो टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये थ्री है तो थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये फोर है तो फोर को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये फाइव है फाइव को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना, एंड ये सिक्स है तो सिक्स को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगर स्क्वायर होगा तो क्या होगा, वन को टू टाइम्स करना, ठीक है, टू को टू टाइम्स करना, थ्री को टू टाइम्स करना, फोर को टू टाइम्स करना, फाइव को टू टाइम्स करना, सिक्स को टू टाइम्स करना। बस डिफरेंस इतना सा है कि स्क्वायर में टू टाइम्स करेंगे, उसमें थ्री टाइम्स करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर डी, 12, 13, 16, 21 डिफरेंस करते हैं। वन का डिफरेंस, थ्री का डिफरेंस, फाइव का डिफरेंस, थोड़ा कुछ पता चला? वन थ्री फाइव, यानी कि इनमें टू टू का डिफरेंस आ रहा है ना, वन के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद क्या होना चाहिए, सेवन, ठीक है, फिर कितना होना चाहिए, नाइन, फिर इलेवन, ठीक है। वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, अगेन ट्वेल्व एंड थर्टीन में वन का डिफरेंस, ठीक है, थर्टीन एंड सिक्सटीन में थ्री का डिफरेंस, सिक्सटीन एंड ट्वेंटी वन में फाइव का डिफरेंस, यानी कि वन प्लस थ्री, ठीक है, वन थ्री फिर फाइव, उसके बाद सेवन नाइन इलेवन, 21 और 7 कितने होते हैं, 28, 28 एंड 9, 37, ठीक है, एंड 37 एंड 11, 48, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखो 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस एंड 2 का डिफरेंस, ठीक है, इन सब में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, टू टू का डिफरेंस आ रहा है, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, ठीक है। तो 21 में 7 ऐड करेंगे 28, 28 में 9 ऐड करेंगे 37, 37 में 11 ऐड करेंगे 48, ओके, नोट डाउन प्लीज। क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका भी पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, मेहनत तो करनी नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो 4 एंड 9 में कितना डिफरेंस है, 5 का, 9 एंड 19 में 10 का, एंड यहाँ पे 20 का, ठीक है, इसके नेक्स्ट 3 नंबर से, ठीक है। अब ये पैटर्न कैसे चल रहा है, जैसे 5 का है ना, तो ये 5 का डबल कितना हो गया, 10, 10 का डबल 20, यानी कि ये पैटर्न कैसे चल रहा है, जो डिफरेंस है वो डबल 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 हुए जा रहा है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ना ये डबल डबल डबल, ठीक है। जैसे ये 5 का डिफरेंस हुआ तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, 10 का, यहाँ पे 20 का, तो ये 5 का डबल कितना हुआ, 10, 10 का डबल 20, ठीक है। अब 20 का डबल कितना होगा, 40, ठीक है, 40 का डबल कितना होगा, 80, 80 का डबल कितना होगा, 160, चलो ऐड करते हैं, 39 प्लस 40 79, ठीक है, 79 एंड 80, 159, ठीक है, एंड 159 प्लस 160 कितने होंगे, 390, ठीक है, चलो करके देखते हैं एक बार कंफर्म, 159 प्लस 169, 5 प्लस 6 11, 31,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि ये डिफरेंस जो है यहाँ पे डबल हो गया, फिर जैसे ये डबल हो गया टू टाइम्स पे, ये भी टू टाइम्स हो गया, ये भी टू टाइम्स हो गया, ये भी टू टाइम्स एंड ये भी टू टाइम्स। ओके, नो डाउट प्लीज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एट, दिस इज ऑल्सो वेरी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, ओनली यू नीड टू कंसंट्रेट, ठीक है, आपके पास थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, 156, 78, 76, 38, 36, देखो यहां पे कितना डिफरेंस है ना, यहां पे ओनली टू का, फिर यहां पे काफी डिफरेंस है, तो ये पैटर्न क्या चल रहा है मैं आपको समझा दूं, ठीक है, एक बार कोशिश करो। 156 को अगर हम हाफ करेंगे ना, यानी कि टू से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 78। चलो करके देखते हैं, 156 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 27 जा 40, 6 1, 24 जा 28 जा 16, यानी कि ये हो गया आपका 78, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, ठीक है। ओके, नाउ यहां पे कैसे हुआ, माइनस 2, 78 माइनस 76 क्या हुआ, माइनस 2, 78 माइनस 2 को 78 में से माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, 76। ओके, नेक्स्ट, अब 76 में 2 का डिवाइड करो, 2 3 जा 6, ये 0 ये 0 ये 6 ये 1, 2 8 जा 16, यानी कि 38, ठीक है, यानी कि इसका हाफ, ठीक है, ये आ गया ना 38 घर पे लिखा हुआ ऑलरेडी, इट मींस 76 का हाफ क्या है, 38, यानी कि 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 38 आएगा, ठीक है। अब देखो पैटर्न समझने की कोशिश करो, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, ठीक है, 32 माइनस 38 माइनस 2 36, ठीक है। अब क्या पैटर्न होगा, डिवाइडेड बाय 2, अब डिवाइडेड बाय 2 होगा तो यहां पे होगा 8, ठीक है। ओके, देन माइनस 2, 16, पैटर्न है डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, ठीक है, नो डाउट प्लीज। क्वेश्चन नंबर जी, 4 7 13 25, चलो डिफरेंस लेते हैं हम, 4 एंड 7 कितना डिफरेंस है, 3 का, ठीक है, 7 प्लस 13 में डिफरेंस है 6 का, ओके, 13 प्लस 25 में डिफरेंस है 12 का, क्या पैटर्न पता लगा, 3 2 6, 6 2 12, इट मींस ये जो डिफरेंस है ये जस्ट डबल हो रहा है टैक्स वाले में, ठीक है, तो ये डबल हुआ, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, है ना।
और फिर यहाँ पे 24 टू जा 48, ठीक है, एंड 48 टू जा 96, ठीक है, ये आपका डिफरेंस है। यानी कि ये देखो, ये जो था इनमें 3 का डिफरेंस आया था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 12 था, तो हमको पैटर्न क्या पता लगा कि 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, यानी कि जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट वाले में डबल हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में डबल हो जाता है तो हमने 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 24 टू जा 48, 48 टू जा 96, ठीक है। चलो 25 एंड 24 कितने होते हैं, 49, ओके, 49 एंड 48 97, ठीक है, करके देख लेते हैं। 49 प्लस 48 97 होंगे, ठीक है, एंड 97 प्लस 96 कितने होंगे, 193। चलो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 97 प्लस 96, ठीक है, 193 ही होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, रेमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 22 मिनट का हो चुका है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।